अब ताल्लुक, देखो मौलाना नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ने जाते हो, पढ़ के आते हो, कभी कोई रुकावट आई, कोई खलल आता है? नहीं आता। इसलिए उनका काम पढ़ाना है, वो पढ़ाने वाले हैं, कोई रुकावट नहीं आती, पढ़ के आ जाते हो। अब इनकी शरायत, उनके दस्तूर अलग हैं, लेकिन जो ताल्लुक वाले हैं उनके पास हर आदमी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। आई समझ में बात? क्योंकि उनके दस्तूर भी अलग, उनका कानून भी अलग। अब क्यों वो शर्त रखते हैं? सबसे पहले बैत की, आलिम बैत की शर्त रखता है, मस्जिद में आने से पहले बैत करनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं, आओ भाई, जिसका जीचा आया पीछे नमाज पढ़े जाए ना, वो गिनती गिनता कितने आए थे कितने नहीं आए, ना वो ये देखता है कि कौन आया था कौन चला गया और कौन आज नहीं आया। लेकिन ताल्लुक वालों का ये हिसाब नहीं है, वो तो जो आ गया फिर वो गया नहीं, और जो गया फिर वो आया नहीं। तब तो ताल्लुक वालों की बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। वो तो बैत का मकसद ही उनका यही है ना, बैत लेने का, कि भाई आ जा तू, मैं तुझे खरीद रहा हूं, तू बिक गया है। अब जब बिक गया तो तेरी मिल्क तुझ पे से खत्म हुई, अब तू मेरी मिल्क है, अब मैं जैसे जाऊँ इस्तेमाल करूँ उसको, मैं चाहे तेजाब में डालूँ चाहे भट्टी में। और वो पूछता भी क्यों नहीं आया था और क्यों गया, कहाँ गया? क्यों? ताल्लुक जुड़वाना एक जमानत है। पूछा जाता है कि ये वफादार भी है, कौन जमानती है इसका? तो वही जमानती होता है जो लेके जाता है वहां तक। और अगर भाग जाए मुजरिम तो जमानती अंदर। तो इसलिए शेख पहले बहुत पुख्ता करता है, बड़ी आजमाइशों से गुजारता है, बड़े चिल्ले कराता है, बड़े जिक्र कराता है, देखो ये रुकता है भागता है, कितना पक्का होता ही है, होता ही नहीं होता, और कुछ मुश्किलें भी डलवाता है, कहना डाल दो जितनी चाहे इस पे, देखो ये रुकता है भागता है। जब सारे इम्तहानों से गुजार लेता है, समझता है ये जाने वाला नहीं है, अब ये अटक गया मेरी जान को, फिर वो आगे बढ़ाता है कि चल भैया अब आ गया। तो क्यों लाखों में से दो चार ही निकलते हैं? कितने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद होंगे, कितनों को जानते हो, कितनों ने नाम किए? वो कहता है कि यहाँ के आदाब और कुछ हैं, ज़रा संभल कर तवाफ़ करना, ये हुस्न की अंजुमन है, वाइज मकाम देर व हरम नहीं है। यहाँ नफस नफस है, आजमाइश हैं, कदम कदम इम्तहा है, बाकी
कहाँ कहाँ सर झुकाइएगा, कहाँ कहाँ वो सनम नहीं है। तो कितना सर झुकाएगा, ज्यादा इसका आसान काम ये सर उतार उसके हाथ में दे दे के ये ले। अब जो तेरा जी चाहेगा, यही सर का झगड़ा था ना, ये कहाँ झुकाना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा, तो ये दे तेरे हवाले कर दिया उतार के, अब तेरा जी चाहे काम ले। वहां तो ऐसे लोग चाहिए। इसीलिए कहते हैं बै के मायने बै के हैं, बै के मायने फरोख्त होना। अब जिसकी बकरी वो दूध ले या मांस खाए, बकरी का तो ताल्लुक खत्म हो गया ना। अब इतनी बातें इतने राज को खोल के नहीं बोलता। लेकिन बोलने से मुराद ये है कि 100 सुने और एक आ जाए रास्ते पे, तो बोलने का मसला खत्म हो गया। दावत है, और वो सब थोड़ी कबूल करते हैं। कोई एक कर लेता है, और जो एक कर लेता है हमारी सही पूरी हुई। ये जरूरी भी ना 100 ही पूरी करें, जितने सुने उतनी करें, एक ही होता है, सब नहीं होते। इस रास्ते में छन्नियां लगी हुई हैं, एक प्रोडक्ट निकलती है ना, फिर वो एक छन्नी से निकलती है, फिर दूसरी छन्नी पे जाती है, फिर तीसरी छन्नी पे जाती है। अब जहां वो काम की हो जाती है वहीं रुक जाती है कि ये भाई मुकम्मल हो गई है, बाकी सब कचरे में चली गई। यही इस रास्ते की बात है। तसव्वुफ गोया जैसे कि मैंने तय की बात करी है और अभी मौका नहीं लगता दूसरी बात करने का, कि तय से मुराद ही चार मकाम हैं, तय के चार अदद हैं। अलामत के तौर पर जब हम तहजी में लेते हैं तो 400 कर देते हैं उसको, मतलब उसके चार अदद हैं और चार ही मकाम है उसके। हर मकाम तसव्वुफ में कमाल मकाम है उसका। ता का मकसद, पहला मकाम उसका तौबा है। और दूसरा मकाम उसका तर्क है, और तीसरा मकाम तवक्कुल है, यानी कि भरोसा कर लेना है, और फिर चौथा मकाम उसका ताल्लुक है। ये तसव्वुफ की पहली चार मंजिलें। अब तौबा की 10 हैं, तरक्की 10 हैं, तवक्कुल की 10 हैं, ताल्लुक की 10 हैं, तो 40 तो वैसे ही हो गए। फिर आदत सलूक तो पूरा हुआ इसमें, अब ये जो 2-3 आयतें हैं ये तुझे क्या बता रही हैं? ये सारी इसी ताल्लुक से जुड़ी हुई है, इसी ता से जुड़ी हुई है चार तीनों आयतें। वो यौमिनून बिल गैब ही वो यक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। इसी से जुड़ी हुई